दस में हिंदी का पार्ट तीन पढ़ेंगे पद्य भाग का, जिसका नाम है सेनापति। हमने पहले वाले क्लास में सेनापति के दो पद पढ़े हैं, जिसमें उन्होंने दो ऋतुओं का वर्णन किया है, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं, जिसमें भी दो ऋतुओं का अलग अलग वर्णन किया गया है। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सावन ऋतु का और शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि सेनापति जो है वो ऋतु वर्णन में सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। मतलब इन्होंने जितना अच्छा ऋतुओं का वर्णन किया है, उतना किसी ने भी उतना अच्छा वर्णन नहीं किया है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक। दामिनी का मतलब होता है बाद में जो चमकने वाली बिजली होती है, उसको हम उसका एक तरह से देख लीजिए प्रायवाची क्या होता है बिजली का, दामिनी, ठीक है। सुर चाप कहते हैं इंद्र धनुष को। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है, और सावन के मौसम में क्या है, बादलों के अंदर बिजलियां चमक रही है, और चारों तरफ और इंद्रधनुष की जो है छटा चारों तरफ देखने को मिल रही है। यानी बारिश होने के बाद हम देखते हैं ना इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। तो कवि कह रहे हैं कि सावन आने के कारण बादलों में बिजलियां चमक रही है और इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेर रहा है। श्याम घटा की गमक अति घन घोर ते। श्याम का मतलब काला है, काली जमक का मतलब है चमचम, मन मन बरसती बूंदों की ध्वनि, घोर का मतलब है भयंकर या अत्यधिक, और घनघोर का मतलब है बादल का गर्जन। तो कवि कह रहे हैं कि जो सावन का मौसम है, बादल चमक रहे हैं, इंद्रधनुष की छटा बिखरी हुई है, और बारिश की मन मन बरसती बूंदों की जो ध्वनि है बहुत ही अच्छी लग रही है, और बादल जो है चारों तरफ डराने वाली गर्जना कर रहे हैं। मतलब इतनी तेज गरज रहे हैं बादल कि हमको डर लग रहा है, मतलब इतनी जोर से गरज रहे हैं, डराने वाला गर्जन है। कई बार हम बारिश के मौसम में देखते हैं एकदम से बादल की जोर से गर्जन होती है तो हमें डर लगता है। उसी प्रकार कोकिला कलापी कल पूजत है जित तित। कोकिला का मतलब है कोयल, कलापी का मतलब है मोर। कल यानी मंद या मधुर, पूजत यानी कूदता है या बोलता है, जित तित यानी इधर उधर। तो कवि कह रहे हैं कि ये ऐसा मौसम छाया हुआ है, मतलब बारिश का मौसम है, और कोयल और मोर जो है यहाँ वहाँ इधर उधर जो है मधुर आवाज में गीत गा रहे हैं, मधुर आवाज में बोल रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की जकोर ते। सीकर का मतलब है जल की बूंदे, समीर का मतलब है वायु, जकोर का मतलब है जोका। तो कवि कह रहे हैं कि जल की जो बूंदे हैं वायु के साथ हवा आ रही है, और जल की बूंदे मतलब हल्की हल्की फुहारी जो चलती है ना, जल की बूंदे बरसती है जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। तो जल की जो हल्की हल्की बूंदे हवा के साथ जो है हमारे शरीर को जगजो कर रख रही है, हवा के झोंके के साथ जल की बूंदे आ रही है। सेनापति आवन गयो है मन भावन सू,
वर्णन किया गया है। शीर को प्रबल सेनापति को फिर चढ़ियो दल। शीर का मतलब है, शीर का मतलब है ठंड, कॉपी का मतलब है क्रोध करके, चढ़ियो मतलब चढ़ाई कर दी है या आक्रमण कर दिया है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं, कवि सेनापति कह रहे हैं कि सर्दी की ऋतु जो है, यानी सर्दी ने जो है, शीत ऋतु ने जो है क्रोध करके और हमारे ऊपर क्या है, चढ़ाई कर दी है, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी अत्यधिक सर्दी की ऋतु आ गई है। निबल अनल गयो सूरी सिए जाए के, निबल का मतलब है निर्बल या प्रभावहीन, अनल का मतलब है अग्नि, सूरी का मतलब है सूर्य, सिए जाए यानी ठंडा हो जाना। तो शीत के डर से क्या है, सूर्य का जो ताप है वो निर्बल हो गया, मतलब प्रभावहीन हो गया। सर्दी के अंदर हम धूप में बैठते हैं, हमको धूप नहीं लगती, गर्मी के अंदर बैठ के देखो हमको कितनी तेज धूप लगती है, हम बैठ ही नहीं पाते। तो सर्दी के प्रभाव के कारण क्या है कि सूर्य का प्रभाव जो है कम हो गया है, सूर्य जो है निर्बल हो गया है, अग्नि जो है, मैंने गलत बोल दिया था, सूर्य का बोल दिया पहले, अग्नि का है कि अग्नि जो है निर्बल हो गई है, अग्नि का प्रभाव जो है कम हो गया है, और सूर्य यानी सूर्य जो है वो भी क्या है, ठंडा पड़ गया है। सूरज के अंदर इतनी गर्मी होती है ना, वो भी ठंडी हो गई। अब देखिए जब सर्दी होती है तो हम कोई भी गर्म भगोना ऐसे उठा लेते हैं, या गर्म चीज अपना हम ऐसे उठा लेते हैं, गर्मी में वो चीज उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे हाथ जो है जल जाते हैं। तो इनका क्या है, सूर्य का और आग का जो है प्रभाव कम हो गया है। गर्मी में हम धूप में भी नहीं खड़े रह सकते, सर्दी में हम कई देर तक जो है धूप में बैठे रह जाते हैं ना। हिम के समीर तेरे बर से विषम तीर, और हिम के समीर यानी हिम का मतलब है बर्फ या घोर ठंड। तो ठंडी हवा के जो झोंके हैं, बर्फ के समान जो ठंडी हवा के झोंके हैं, वो क्या है हमारे ऊपर जो है तीर बरसा रहे हैं, आक्रमण में जो तीर बरसा रहे हैं ना। तो सर्दी की ऋतु में हमारे ऊपर आक्रमण कैसे हो रहा है कि ठंडी हवा के झोंके जो है हमारे ऊपर तीरों के समान लग रहे हैं, यानी तीर बरसा रहे हैं, यानी हम ठंडी हवा, सर्दी के अंदर हमको ज्यादा सर्दी कब लगती है, जब हवा तेज चलती है, जब भी हमें ज्यादा ठंडी लगती है ना, तो हवा के झोंके जो है वो बर्फ के समान जो ठंडे हवा के झोंके हैं वो हमारे ऊपर क्या है, तीर बरसाने का काम कर रही है। रही है गर्म घोल कोनन में जाए थे, गर्म यानी गर्मी या ताप जो है, घोल यानी भवन या घर, कोनन यानी कोनों में। तो कवि कह रहे हैं कि गर्मी जो है शीत ऋतु के भय से क्या है, घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। हम क्या करते हैं जब सर्दी की ऋतु होती है तो कोनों में जा जाके नहीं बैठ जाते हैं, और गर्मी में कैसे हम फेर फेर के बैठते हैं, और सर्दी के अंदर क्या होता है कि हम कोनों में जाकर छिप जाते हैं, वहां हमको थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। तो कभी कह रहे हैं कि गर्मी जो है वो शीत ऋतु के भय से घरों के कोनों में जाकर छिप गई है। धूम धूम नेम बहे लोग आदि पर गिरी रहे, धूम का मतलब है धुआं, नेम बहे यानी आंसू बह रहे हैं। तो कभी कह रहे हैं कि आग के कारण क्या है, जो धुआं उठ रहा है और धुओं से क्या है लोगों के आंखों के अंदर पानी आ रहा है, धुएं के कारण जो है आंखों में पानी आ रहा है, और फिर भी क्या है लोग उस आग के ऊपर गिरे जा रहे हैं, मतलब आग जहां पर भी जलती थी और वहां चले गए हाथ सेकने के लिए, हम जाते हैं थोड़ी गर्मी मिले सर्दी के अंदर। ये सो लगाए रहे नेक सुलगाए के, ये का मतलब है हृदय, बीत का मतलब है डरे हुए। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे ये सो लगाए रहे नेम सुलगाए के, और जैसे ही कहीं पे आग लगी हुई देख रहे हैं ना, और वहां जाके क्या है कि सीधा हाथ अपने के लिए वहां जाकर बैठ रहे हैं, हमारे अपने हृदय को जो है गर्म करने के लिए वहां बैठ रहे हैं। मानो भीड़ जानी वहां सीखते पसारे पानी, छतिया की छांव रखे हो पाओ सिपाही के, भीड़ यानी डरा हुआ, पसारे यानी फैलाकर, पानी का मतलब है यहाँ हाथ, छतिया की छांव का मतलब है छाती की ओर में, पाओ मतलब आग। तो कभी कह रहे हैं कि लोग जो क्या
सेनापति के द्वारा किया गया ऋतुओं का वर्णन पढ़ा है। हम इसके प्रश्न उत्तर अगली क्लास में करेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार आप पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ करेंगे और इनका भावार्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ प्रश्न उत्तर